हाय एवरीवन आई एम श्रुति और आज हम करने वाले हैं पेसिफिक रिंग ऑफ फायर और होट स्प्रिंग्स और गीजर्स क्या होते हैं बाय द वे दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आर टॉपिक वॉलिज्म इसके बाद अपना वॉल्निज्म जो है पूरा हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे इसका वन शॉट ताकि ये अच्छे से आपको ना रिवाइज हो जाए वन शॉट आई विल मेक आई विल ट्राई टू मेक एज फ्लो चार्ट और वन uh, शॉट अच्छा करेंगे ठीक है अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे वन शॉट में जो हम करेंगे कल अगर कल नहीं हुआ तो फिर परसों करेंगे ओके सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है <coughs> चलिए ये शुरू करते हैं द रिंग ऑफ फायर ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है दिस इज लेटेस्ट येलो कलर सो इट इज इन वॉल्कनिक एंड अर्थक्वेक रेंज जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्के इराप्शन होते हैं और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं ये एक ऐसा भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र हैज ओवर फाइव हंड्रेड ऑफ एक्टिव वॉल्नोज पांच सौ से भी ज्यादा इसमें एक्टिव वॉल्के हैं पैसिफिक रिंग ऑफ ओशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सो आउट ऑफ four of the world's largest active volcanoes देखो वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट वोल्केनोस हैं एक्टिव देयर आर फोर एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड आउट ऑफ फोर तीन इस रेंज में प्रेजेंट हैं तीन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में प्रेजेंट हैं कौन-कौन से माउंट सेंट हेलेंस व्हिच इज इन अमेरिका माउंट फ्यूजी इन जापान माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस और ऑलमोस्ट अर्थ के जो 90% अर्थक्वेक्स आते हैं और 80% परसेंट लॉन्ग अर्थक्वेक्स यानी लंबे अर्थक्वेक ज्यादा समय के लिए जो अर्थक्वेक रुकते हैं वो भी आपके ऑफ फायर में आते हैं ठीक और इसकी जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट घोड़े की नाल जैसी होती है घोड़े की नाल की तरह होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स शू सो इट्स शेप इज लाइक हॉर्स शू It resembles actually horse shoe shape and it is also known as circum pacific region ye jisko hum paridhi जिसको हम परिधि kehte hain भी कहते हैं okay? hmm. हिंदी में क्या कहते हैं सो इट इज सेट दैट देर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड एक्टिव वॉल्कनोज इन फिलिपींस ये जो रेंज आती है फिलिपींस आपका इसी रेंज में आता है There आर uh, over ओवर हंड्रेड एक्टिव in इन फिलिपिन माना जाता है ऐसा और जो फोर फोर्टी एक्टिव वॉलोज आर देयर इन एंडीज थर्टी फाइव इन जापान एंड मोर देन सेवेंटी इन इंडोनेशिया एक्टिव वॉलोज और इंडिया के भी वेस्ट में एक बड़ा भयंकर वॉलकनो प्रेजेंट है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी दो दो दिन पहले एक दिन पहले माउंट पिल्ल जिसके डिस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने बात करी थी इसने कितनी तबाही मचाई थी So, ये है आपका रिंग ऑफ फायर ये दिखता है इसके अंदर बहुत सारे बॉल्केनोज आते हैं 500 से भी ज्यादा तो एक्टिव बॉल्केनोज है ठीक है इसके बारे में हमने बात कर लिया है अब देखते हैं स्प्रिंग्स और गीजर्स क्या होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे गीजर्स क्या होते हैं गीजर्स का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इधर नीचे क्या होता है जैसे यहाँ पे एक मैग्मा है मैग्मा का को कोई भी सोर्स है नीचे और ठीक है येलो कलर इधर मैग्मा का सोर्स है एंड दिस इज रॉक मैग्मा क्या होगा मैग्मा गर्म करेगा रॉक को ठीक है मैग्मा विल हाई इसका रॉक का टेम्परेचर जो वो हाई हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ रॉक इंक्रीजेस और जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है वो रॉक के कांटेक्ट में आएगा ये रॉक बनाई हुई हमने पूरी ये रॉक के कांटेक्ट में जब आएगा तो ये भी उबलने लग जाएगा ये भी इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है और ये रॉक जो है ये पोरस रॉक होती है पोरस रॉक होती है जब पोरस रॉक पोरस यानी छेद इन छोटे छोटे छेदों से जब पानी एकदम से बाहर आता है यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्टेड होता है प्रेशर और गैसेस से वाटर और स्टीम बाहर आते हैं बेसिकली तो ये आ, कम से कम डेढ़ सौ फिट तक ऊपर जाते हैं ये स्टीम्स तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गीजर तो हीट जो है आपकी पहले रॉक तक जाएगी और ये जो ग्राउंड वाटर होता है आपका अंडरग्राउंड वाटर गीजर के लिए कंडीशन होती है कि ये आपका सरफेस है ये अर्थ का सरफेस है दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ ये जो आपका ग्राउंड वाटर है ये इसके पास प्रेजेंट होना चाहिए सरफेस के और रॉक जो है आपकी पोरस होनी चाहिए वाटर नियर सरफेस होना चाहिए बेसिकली ये मिलता कहाँ पे इन द रिवर्स रिवर्स में क्या होता है आपकी जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर वो ऑल बहुत नजदीक होता है सरफेस से इसीलिए वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं गीजर्स और ये मिलता है एट द एज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एट द एज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो पोरस होंगी और वहाँ पे पानी को बाहर आने के लिए रास्ता मिल जाएगा इसीलिए दो जगह पे ऑलमोस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है या ज़्यादा डोमिनंट होता है सो so, और यहाँ पे देख लेते हैं फाउंटेन्स जो होते हैं ये फाउंटेंस की तरह बाहर आता है उसकी स्टीम जो होती है वो ऑलमोस्ट 150 फीट तक राइज करती है और ये जो वाटर है ये इतना ज्यादा उबल जाता है कितना ज्यादा बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है ये जेट की तरह बाहर आता है वेरी एक्सप्लोजिवली इट एमिट्स आउट एक्सप्लोजन के साथ ये बाहर आता है और इसको ट्रिगर कौन करता है वाटर को बाहर ट्रिगर कौन करता है गैसेस ओके okay? जो रॉक्स होती है रॉक्स हीट होकर रॉक्स हीट होकर गैसेस रिलीज करती हैं जो गैसेस ट्रिगर करती हैं पानी को एक्सप्लोजिवली बाहर आने के लिए सो आउट वेरी एक्सप्लोजिवली ओके और स्टीम जो राइज करती है अपनी 150 फीट तक राइज करती है देन आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हॉट स्प्रिंग और गीजर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता हॉट स्प्रिंग भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बट क्या है कि हॉट स्प्रिंग है वो एक्सप्लोजिवली बाहर नहीं आएगा सिर्फ वाटर ऊपर राइज कर जाता है स्प्रिंग के जैसे एक झरने के जैसे या बहुत साइलेंटली वाटर आ जाता है बाहर और वाटर अपने साथ यहाँ पे मिनरल्स भी लाता है वाटर हैव डिजोल्व मिनरल्स क्योंकि अर्थ के अंदर से आ रहा है तो ऑब्वियसली अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो डायरेक्टली अगर आपको क्रस्ट से पानी मिल रहा है वो भी गर्म तो उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स होने की ज्यादा संभावना हो जाती है बिकॉज यू नो कि जब पानी गर्म होता है तो उसके व्हेन वी हीट समथिंग और वाटर उसके मोलिक्यूल जो है वो दूर भागने लगते हैं और यहाँ में यहाँ पर डिजोल्यूशन ऑफ मिनरल्स आसान हो जाता है मिनरल्स का मिलना आसान हो जाता है जब पानी बॉयल होता है तो पानी का टेम्परेचर हाई है और इसके मोलिक्यूल्स दूर दूर है तो इसमें इजीली मिनरल्स डिजोल्व हो जाते हैं इनसाइड अर्थ क्रस्ट और बाहर आता है वो जो पानी वो साइलेंटली आता है इतना एक्सप्लोजिवली नहीं आता जितना गीजर्स में आता है तो हॉट स्प्रिंग में अपना भी सकते हो इट इज़ यूज एज स्विमिंग पूल या हीट हाउस और भी डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसको माना जाता है कि इट हैव मेडिकल वैल्यूज आल्सो बिकॉज इट हैज़ Minerals direct from the earth crust. So, we have done our volcanism topic completely. We'll meet you tomorrow with one short video of volcanism. Okay, so thank you.